नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। भारत के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। चंद घंटों बाद देश के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग होनी है। स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। इसे 14 जुलाई को 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसरो ने बुधवार को कहा कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम नॉर्मल है। बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशन टीम की तैयारी पूरी है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए देश में पूजा पाठ और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। दुनिया की नजर भी इस पर टिकी हुई है। इसरो के मुताबिक शाम 5:44 पर जैसे ही चंद्रयान 3 का लैंडर सही पोजीशन पर आएगा, टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉन्च कर देगी। लैंडर के चांद पर उतरते ही रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर इसे चांद की सतह पर आएगा। इसरो ने मिशन कमांड सेंटर से तस्वीरें भी शेयर की है। बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 से मिल रहे आंकड़ों की रात भर पड़ताल में जुटे रहे। वे लैंडर को इनपुट भेज रहे थे ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा। वही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। जब तक अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। चंद्रयान 3 के आखिरी 19 सांस रोक देने वाले होंगे। लैंडिंग शुरू होते समय गति 6,048 किलोमीटर घंटा होगी। चांद को छूते समय यह 10 किलोमीटर घंटे से भी कम होगी। उतरने के लिए स्थान का चुनाव इसरो कमांड सेंटर से नहीं होगा। लैंडर अपने कंप्यूटर से जगह का चुनाव करेंगे।